नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत है। मैं हां हरप्रीत कौर। पहलां पेश ने चोणवीं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ते चीन दे राष्ट्रपति शी जिनपिंग विचाले दूजी गैर रस्मी शिखर वार्ता अज मामल्लापुरम विच होवेगी। दोवें आगुआं ने मामल्लापुरम दे इतिहासिक ते धार्मिक महत्ता वालियां थावां दा कीता दौरा। केंद्रीय खजाना मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा कि एयर इंडिया, बीएसएनएल ते एमटीएनएल दे निजीकरण संबंधी अजे कोई फैसला नहीं लिया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत अते अमरीका विचाले पिछले 5 सालां दौरान दुवल्ले संबंध होर मजबूत होए ने। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई विच कश्मीर तो कन्याकुमारी तक देश नूं इक सूत्र विच बनण दा सुपना साकार होया। केंद्रीय सेहत मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने हस्पतालों में स्वच्छता के उच्चे म्यार बनाए रखने लिए कायाकल्प पुरस्कार तकसीम किए। पुणे क्रिकेट टेस्ट में भारत मजबूत स्थिति में, दक्षण अफ्रीका दीयां 3 विकटां 36 दौड़ां ते डिगियां। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ते चीन दे राष्ट्रपति शी जिनपिंग विचाले दूजी गैर रस्मी शिखर वार्ता अज चेन्नई दे नेड़े पैंदे आइकॉनिक शहर मामल्लापुरम विच होवेगी। दोवें आगू कल शाम ही इस तटी शहर पुज गए सन। दक्षण भारत की रवायती पोशाक धोती कुर्ता पाके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्जुन तपस्या वाली थां ते चीन दे राष्ट्रपति का स्वागत किया। दोवें आगुआं ने गर्मजोशी नाल हाथ मिलाए। अतिथि देवो भव की धारणा ते चलदिआं प्रधानमंत्री ने सब तो पहला अर्जुन तपस्या स्थली की इतिहासिक महत्ता बारे चीन दे राष्ट्रपति शी जिनपिंग नूं जाणू करवाया। श्री मोदी ने चीन दे राष्ट्रपति नूं स्मारकां ते घड़ियां मूर्तां दे अर्थां तों वी जाणू करवाया। मगरों श्री मोदी ते शी जिनपिंग ने अर्जुन तपस्या वाली थां ते इक पहाड़ी नूं कट के बनाए गए मंदिर दा दौरा कीता। इस पहाड़ी ते भगवान कृष्ण दे मक्खन दे लड्डू दा इक गोला बनाया गया है, जिसकी उचाई तकरीबन 6 मीटर ते चौड़ाई तकरीबन 5 मीटर है। इस गोले का भार 2,500 टन के करीब है। इस मगरों दोवें आगुआं ने पांडवों के प्रसिद्ध पंचरथ ते शोर मंदिर का भी दौरा किया। दोवें आगू तनाव मुक्त वातावरण में कुछ देर लई रथ के सामने बैठे ते गलबात की। मगरों प्रधानमंत्री मोदी ते चीन के राष्ट्रपति समुद्र कंडे ते बने भगवान शिव अते विष्णु नूं समर्पित मंदिर विच वी गए। दोवें आगुआं ने इस मंदिर के सामने आपो अपने वफद विच शामिल मैंबरां नूं एक दूजे नाल जाणू करवाया। भारतीय वफद विच विदेश मंत्री एस जयशंकर, कौमी सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल ते विदेश सकत्तर विजय गोखले शामिल ने। चीन दे वफद विच उत्थों दे विदेश मंत्री समेत पोलित ब्यूरो दे मैंबरां तों इलावा होर कई उग्गियां शख्सियतां शामिल ने। केंद्रीय खजाना मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा है कि एयर इंडिया, बीएसएनएल ते एमटीएनएल दे निजीकरण बारे अजे कोई फैसला नहीं लिया गया। पुणे विच पत्रकारां नाल गलबात करदिआं खजाना मंत्री ने कहा कि छोटे ते सूखम उद्योगां दी बेहतरी ते रोजगार दे मौके पैदा करन लई इस साल दे बजट विच लोड़ींदे प्रबंध कीते गए ने। लड़ाकू जहाज राफेल नूं भारतीय हवाई फौज दे बेड़े विच शामिल करन मौके शस्त्र पूजा नूं सही दसदिआं केंद्रीय खजाना मंत्री ने कहा कि इह साडी रवायत है अते रवायत दी पालना करना गलत नहीं है। धारा 370 हटाउण ते विरोधी धिर वल्लों कीती जा रही नुक्ताचीनी बारे उन्हां कहा कि देश भर विच इस फैसले दा स्वागत होया है, पर कुछ पार्टियां निजी हितां लई देश हित विच लए गए इस फैसले दा विरोध कर रही ने। खजाना मंत्री ने कहा कि एनडीए दी सरकार उसारू सोच नाल काम कर रही है ते सूबा केंद्र सहयोग नाल लगातार विकास नूं यकीनी बनाउण लई यतन कीते जा रहे ने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत अते अमरीका विचाले आपसी भाईवाली विच हो रही तरक्की ते संतुष्टि प्रगटाई है। नवी दिल्ली विच अमरीकी सैनेटरां टेड क्रूज ते मैगी हसन नाल चर्चा करदिआं रक्षा मंत्री ने दुवल्ले रक्षा संबंधां नूं होर मजबूत बनाउण दे ढंग तरीकियां बारे विचार वटांदरा कीता। उन्हां अमरीका नूं भारत दे सब तो अहम ते भरोसेयोग भाईवालां विचों इक दस्सिआ। रक्षा मंत्री ने कहा कि पिछले 5 सालां दौरान भारत अते अमरीका विच आपसी सहयोग काफ़ी वध्या है। उन्हां उम्मीद जताई कि आने वाले सालों में दोवें मुल्कां विचाले रणनीतिक भाईवाली होर मजबूत होवेगी। रक्षा मंत्री ने अतवाद नाल टाकरे लई अमरीका वल्लों निभाई जा रही भूमिका की भी शलाघा की। पटियाला दी वीर हकीकत राय ग्राउंड विच 25वां 5 रोज़ा भगती योग वेदांत संत सम्मेलन करवाया जा रहा है। सम्मेलन के दूजे दिन स्वामी परमानंद गिरी की अगवाई हेठ सत्संग करवाया गया। समागम दौरान बोलदिआं केंद्रीय पेंडू विकास राज मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि कश्मीर विच धारा 370 खत्म कराने लई संत समाज वल्लों भी वड्डा योगदान पाया गया। उन्होंने कहा कि स्वामी परमानंद गिरी ने भी इस धारा नूं खत्म कराने लई एक वड्डा अंदोलन किया। साध्वी ज्योति ने कहा कि धारा 370 अते 35A नूं खत्म हुंदिआं अपनियां अखां नाल देखना उन्हां लई एक विलक्षण याद है।
साध्वी ज्योति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में कश्मीर तो कन्याकुमारी तक देश नूं एक सूत्र विच बनण दा सुपना सार्थक होया है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दहाकों दौरान कश्मीर घाटी विचों एक भाईचारे नाल संबंधित लोगों नूं जबरी उतों कढ़िया गया सी ते हुण उन्हां दे घर वापसी का राह मुड़ खुल गया है। गुरुदेव बड़ा आंदोलन किया 370 धारा खत्म करने के लिए, 35A को खत्म करने के लिए, उसके हम साक्षी बने, उसके हम गवाही बने, उसमें हमने अपना बहुमूल्य प्रयास किया। समागम दौरान संत बाबा राम सिंह, साध्वी रितंबरा, स्वामी ज्योतिर्मय नंदगिरी समेत संत समाज के होरनां आगुआं ने प्रवचना राही संगतां नूं निहाल किया। श्री गुरु नानक देव जी के 550 साल प्रकाश पुरब समागमों यादगारी ढंग मनाने संबंधी केंद्र सरकार ते सूबा सरकार वालों उच्च पदरी मीटिंग की गई। मीटिंग दौरान समागमों दी तैयारियां ते चल रहे विकास प्रोजैक्टों का जायजा लिया गया। मीटिंग की प्रधानगी करदिआं केंद्रीय सभ्याचारक मंत्रालय के संयुक्त सकत्तर अरुण गोयल ने कहा कि इस इतिहासिक दिहाड़े नूं विश्व पदरी मनाने लई सांझे यतन किए जा रहे हैं। उन्हां सारे संबंधित विभागों के प्रिंसिपल सकत्तरां ते सकत्तरां नूं हदायत की कि वह आपो अपने विभागों नाल संबंधित प्रोजैक्टों नूं 30 अक्तूबर तक मुकम्मल कर लैण। उन्होंने कहा कि इन्हां समागमों की सफलता लई चंगा तालमेल स्थापित करन दा यतन किया जा रहा है तां जो इन्हां समागमों विच हिस्सा लैण लई देश अते दुनिया भर तो आने वाले श्रद्धालुओं नूं किसी किस्म की मुश्किल का सामना ना करना पवे। इस मौके पंजाब के सैर सपाटा ते सभ्याचारक मामलों बारे विभाग के प्रिंसिपल सकत्तर विकास प्रताप ते होर सीनियर अधिकारी हाजिर सन। श्री गुरु नानक देव जी के फलसफे के प्रचार अते प्रसार लई अते उदासियां बारे लोगों नूं जाणू करवाउण लई सूबे भर में 25 थावां ते आवाज़ अते रोशनी के प्रोग्राम करवाए जा रहे हैं। सुल्तानपुर लोधी विच होण वाले मुख समागम दौरान 500 दे करीब इनामी कलाकारां वल्लों अपनी पेशकारी दित्ती जाएगी। पंजाब दीआं वख-वख मंडियां विच झोने की आमद जारी है। एक सरकारी अधिकारी ने चंडीगढ़ विच इस बारे जानकारी दिंदिआं दस्सिआ कि सूबे विच कल तक कुल 5,14,000 मीट्रिक टन झोने की खरीद की गई। सूबे विच हुई झोने की खरीद विचों 4,83,364 टन सरकारी एजेंसियां वल्लों ते 31,413 टन झोना निजी मिल मालकां वल्लों खरीदिआ गया। पनग्रेन वल्लों 1,96,115 टन, मार्कफेड वल्लों 1,32,026 टन ते पनसप वल्लों 78,220 टन झोना खरीदिआ गया। FCI ने 10,400 टन झोना खरीदिआ। पुलिस ने फिरोजपुर की बस्ती रामलाल सीमा सरहदी चौकी नेड़ों 4.25 किलो हैरोइन बरामद करने में सफलता हासिल की है। फाजिलका के SSP भुपिंदर सिंह ने इस बारे जानकारी देंदिया दसिया कि हैरोइन की एक खेप पिछे जे गिरफ्तार किए गए एक व्यक्ति सतनाम सिंह पासों पुछगिछ मगरों उसकी निशानदेही से बरामद हुई है। उन्होंने दसिया कि पिछे जे तस्कर सतनाम सिंह 250 ग्राम हैरोइन समेत गिरफ्तार किया गया। सतनाम सिंह वालों दी गई सूचना के आधार पर पुलिस ने फाजिलका की गुलाबा पैणी सरहदी चौकी नेड़ों भी 2 किलो 600 ग्राम हैरोइन बरामद की थी। इस तरह सतनाम सिंह की गिरफ्तारी मगरों पुलिस कोई 35 करोड़ रुपए की हैरोइन बरामद करने में सफल रही। SSP का कहना है कि सरहद पारों नशीले पदार्थों का कारोबार करने वाले महल सिंह नामी तस्कर की पुलिस को अजे भी तलाश है, जो तस्करों के टोले का सरगना मनिया जाता है तो उसके पाकिस्तान में बैठे नशे के सौदागरों नाल सीधे संबंध ने। उन्होंने दावा किया कि पुलिस वालों महल सिंह को गिरफ्तार करने की कोशिशां जारी ने। 600 ग्राम एक हुई सानू, 250 ग्राम एक रिकवरी कराई, 250 ग्राम फट के फिर असी 4 किलो 250 ग्राम असी एक बरामद कराई। कौमी जांच एजेंसी ने कल अखौती खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स नाल संबंधित 9 कथित अतवादियों नूं कौमी जांच एजेंसी की मोहाली विचली अदालत विच पेश किया। इन्हां 9 व्यक्तियों नूं गैर कानूनी गतिविधियां, असला कानून ते होर मामलों विच गिरफ्तार किया गया सी, जिन्हां विच पिछले महीने तरन तारण सरहद ते ड्रोना राही पाकिस्तान वाले पासों हथियारों की सप्लाई के मामले भी शामिल ने। 4 व्यक्तियों नूं अदालत ने 5 दिन पुलिस रिमांड पर भेजा है। इन्हां विच आकाशदीप सिंह, बलवंत सिंह, माहल सिंह ते शुभदीप सिंह शामिल ने। सरकारी वकील HS Obray ने अदालत पासों 5 दिन रिमांड मंगया सी। बाकी 5 व्यक्तियों नूं NIA अदालत ने 14 दिन के जुडिशियल रिमांड पर भेज दिता है। इन्हां विच बलबीर सिंह, हरभजन सिंह, गुरदेव सिंह, साजनप्रीत ते रोमनदीप सिंह शामिल ने। रोपड़ पुलिस ने एक मुकाबले मगरों प्रकाश मिश्रा उर्फ जूना पंडित नामी एक गैंगस्टर नूं गिरफ्तार करन दा दावा कीता है। रूपनगर विच एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान SSP स्वपन शर्मा ने दस्या कि गिरफ्तार किए गए गैंगस्टर जूना पंडित तो 32 बोर के 2 पिस्तौल, 8 कारतूस समेत कुछ होर समान बरामद किया गया है। उन्होंने दस्या कि उत्तर प्रदेश के बनारस के रहने वाले इस नामी बदमाश नूं कल सवेरे रोपड़ ऊना सरहद से एक खुफिया जानकारी के आधार पर चिंतपुर्नी तो वापस आउंदिया पुलिस ने दबोच लिया।
मौके ते इस बदमाश ने पुलिस पार्टी ते गोलियां चलाईयां ते पुलिस वल्लों भी जवाबी फायरिंग की गई, जिस मगरों प्रकाश मिश्रा उर्फ जूना पंडित नूं गिरफ्तार कर लिया गया। इस गैंगस्टर ते हत्या के 10 इल्जाम ने। इस तों इलावा यूपी ते दिल्ली विच अगवा दे मामले भी इस विरुद्ध दर्ज ने। यूपी पुलिस ने जूना पंडित गैंगस्टर दे सिर 1,00,000 रुपए का इनाम रख्या होया सी। SSP ने दस्सिया कि बदमाश जूना पंडित गिरोह का सरगना सी ते इस दे गिरोह विच 15 तों 16 मैंबर ने, जिन्हां विचों 8 मैंबर पहलां ही दिल्ली ते यूपी दीआं जेलां विच बंद ने। खेतीबाड़ी अते किसान भलाई विभाग वालों पराली नूं पशुआं दे चारे वजों वरतण संबंधी एक रोज़ा किसान गोष्ठी संगरूर विच करवाई गई। इस दौरान किसानां अते गऊशालावां दे प्रबंधकां नूं अपील की गई कि उह झोने दी पराली नूं चारे वजों वरतों विच लिआउण। इस मौके बोलदिआं स्वामी अमृत नंद गवर्धन ने दस्सिया कि मथुरा विच उहनां दीआं गऊशालावां विच साल 2006 तों झोने दी पराली नूं इकट्ठा करके चारे वजों वरतों विच लिआंदा जा रिहा है। उहनां दस्सिया कि उहनां दी संस्था वल्लों हर साल वड्डी मात्रा विच झोने दी पराली नूं स्टोर करके रख्या जांदा है तां जो सारा साल पशुआं नूं चारे दी समस्या ना आवे। इस मौके बोलदिआं मुख खेतीबाड़ी अफसर डॉक्टर जसविंदर पाल सिंह गरेवाल ने दस्सिया कि इस साल श्री गुरु नानक देव जी का 550 साल गुरपुरब वातावरण नूं समर्पित करके मनाया जा रहा है। इस मौके उन्होंने किसानों नूं खेती मशीनरी ते दित्ती जा रही सबसिडी बारे भी विस्थार विच दस्सिया। अज जलंधर कारपोरेशन की हद अंदर पैंदे सारे सरकारी ते प्राइवेट स्कूलों ते कॉलेजों विच अद्धे दिन की छुट्टी रहेगी। ये ऐलान भगवान श्री वाल्मीकि जी के प्रगट उत्सव के संबंध में अज जलंधर विच कढ़ी जाण वाली शोभा यात्रा के मद्देनज़र जलंधर के डिप्टी कमिश्नर वालों किया गया। जिले के डिप्टी कमिश्नर वरिंदर कुमार शर्मा ने एक हुक्म जारी करदिआं कहा है कि ये स्कूल ते कॉलेज 12 बजे तक ही लगणगे। केंद्रीय सेहत मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने केंद्र सरकार दीआं सेहत संस्थावां, जिला हस्पतालां, कम्यूनिटी सेहत केंद्रां ते निजी हस्पतालां नूं कायाकल्प पुरस्कारां नाल सन्मानित कीता। इह पुरस्कार जनतक सेहत संस्थावां विच स्वच्छता ते साफ सफाई दे उच्चे म्यार कायम रखण लई दित्ते जांदे ने। इस वार निजी हस्पतालां नूं वी इस पुरस्कार लई चुणिआ गया है। केंद्र सरकार दीआं संस्थावां विचों दिल्ली दे अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान एम्स नूं 3 करोड़ रुपए दा नकद इनाम दित्ता गया। पुडुचेरी की जवाहरलाल पोस्ट ग्रैजुएट मैडिकल सिक्ख्या ते खोज संस्था नूं 1.5 करोड़ रुपए का नकद पुरस्कार दिता गया। इस इलावा चंडीगढ़ के पोस्ट ग्रैजुएट डॉक्टरी सिक्ख्या ते खोज संस्था, दिल्ली के सफदरजंग हस्पताल ते भुवनेश्वर के एम्स नूं भी म्यारी स्वच्छता ते सफाई लई पुरस्कार दिते गए। सूबा सरकार के हस्पतालों विचों गुजरात, हरियाणा, केरल, गोवा ते मध्य प्रदेश समेत होरनां सूबियां नूं भी पुरस्कारां नाल सन्मानित किया गया। 45 जिला हस्पतालों, मुढ़ले सेहत केंद्रां ते कम्यूनिटी सेहत केंद्रां नूं भी वक्खो वक्ख वर्गां विच इनाम तकसीम किए गए। 14 साल तो घट उम्र वर्ग दीआं कुड़ियां दीआं सूबा पदरी खेडां कल रोपड़ दे नहरू स्टेडियम विखे शुरू हुईआं। इन्हां खेडां दा उद्घाटन पंजाब विधानसभा दे स्पीकर राणा KP सिंह ने कीता। 3 दिन चलण वाले इस टूरनामेंट विच कोई 3,000 खिडारना हिस्सा लै रहीआं ने। टूरनामेंट दौरान रोपड़ दे नहरू स्टेडियम विच अथलैटिक्स, बॉक्सिंग, बास्केटबाल ते तैराकी मुकाबले होणगे, जदके बाकी खेड मुकाबले रूपनगर जिले दीआं होर थावां ते वख-वख स्कूलां दे खेड मैदानां विच करवाए जाणगे। पुणे टेस्ट दे आज तीजे दिन दक्षण अफ्रीका दी टीम 3 विकटां गवा के बनाईआं 36 दौड़ां तो अगे खेडना शुरू करेगी। इस तों पहलां भारत ने मौजूदा लड़ी दे दूजे क्रिकेट टेस्ट मैच विच अपनी पहली पारी 5 खिडारियां पिछे बनाईआं 601 दौड़ां ते समाप्ति दा ऐलान कर दिता। कप्तान विराट कोहली ने अपनी एक पारी विच 254 दौड़ां बनाईआं। कोहली अंत तक आउट नहीं होया। भारतीय बल्लेबाजा ने इस पारी विच शानदार खेड दा प्रदर्शन किया। सलामी बल्लेबाज मयंक अग्रवाल ने 108 दौड़ां का योगदान दिता, जबकि रविंद्र जडेजा ने 91, अजिंक्य रहाणे ने 59, चितेश्वर पुजारा ने 58 ते रोहित शर्मा ने 14 दौड़ां का योगदान पाया। दूजे पासे दक्षण अफ्रीका की शुरुआत खराब रही ते दूजे दिन की खेड खत्म होने तक 15 ओवरां विच उसके 3 खिडारी आउट हो गए सन। उस वेले टीम का कुल जोड़ सिर्फ 36 दौड़ां ही सी। भारत वल्लों उमेश यादव ने 16 दौड़ां देकर 2 ते मुहम्मद शमी ने 3 दौड़ां देकर 1 खिडारी नूं आउट किया। दक्षण अफ्रीका की टीम अजे भी भारत नालों 565 दौड़ां पिछे चल रही है। ते बुलेटिन दे अंत विच चोणवीआं खबरां एक बार फिर तो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ते चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग विचाले दूजी गैर रस्मी शिखर वार्ता अज मामल्लापुरम विच होवेगी। दोवां आगुआं ने मामल्लापुरम के इतिहासिक ते धार्मिक महत्ता वालियां थावां दा कीता दौरा। केंद्रीय खजाना मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा कि एयर इंडिया, BSNL ते MTNL दे निजीकरण संबंधी अजे कोई फैसला नहीं लिया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत अते अमरीका विचाले पिछले 5 सालां दौरान दुवल्ले संबंध होर मजबूत होए ने। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई विच कश्मीर तो कन्याकुमारी तक देश नूं एक सूत्र विच बनने का सुपना साकार होया।
केंद्रीय सेहत मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने हस्पतालों में स्वच्छता के उच्चे म्यार बनाए रखने लिए काया कल्प पुरस्कार तकसीम किए। पुणे क्रिकेट टेस्ट में भारत मजबूत स्थिति में, दक्षण अफ्रीका दी 3 विकटा 36 दौड़ा से डिगिया। इस खबरों का बुलेटिन खत्म होंगे, आ गया थे नमस्कार।